सेल्स की ट्रेनिंग की, रूटीन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें मीटिंग हम करते हैं, तो उसमें जो रोजमर्रा मामलात आते हैं उनको डिस्कस करते हैं और कुछ नई चीज़ें मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। हाउ टू सेल, सेल्स 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 की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और सेल करना आएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने स्टाफ से कि अमीर और गरीब में मेजर फ़र्क किस बात का है, क्या समझा आपने अभी तक, क्या बताया मैंने, अमीर और गरीब में किस बात का फ़र्क है आपको, क्या सोच का फर्क है। सोच का फ़र्क है, हालात का फ़र्क बाद में आता है, पहले सोच आती है। मुझे बताएं पहले हालात पैदा होते हैं या पहले सोच पैदा होती है? सोच पहले सोच होती है और जो सोच होती है हालात उसके मुताबिक ढल जाते हैं। आप अमीर आदमी गरीब वाली सोच अपना लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात गरीब वाले होना शुरू हो जाएंगे, और गरीब आदमी अमीर वाली सोच अपना ले लेगा तो उसके हालात अमीरों वाले होना शुरू हो जाएंगे। तो हालात किस पर डिपेंड करते हैं, क्या सोच हालात पर डिपेंड करती है या हालात सोच पर डिपेंड करते हैं? हालात सोच पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सोच हालात पर भी डिपेंड करती है, किसी हद तक शायद ऐसा होगा, तो अगर ऐसा हो है तो फिर जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे गुजरेगी। तो हालात सोच पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले अमीर और गरीब में मेजर फर्क किस बात का है, वो है सोच का। उनकी काबिलियतों में किस बात का फर्क है, काबिलियतें होती है ना हर बंदे के अंदर, कोई स्किल सेट होता है, कोई काबिलियतें होती है। अमीर और गरीब की स्किल जो काबिलियत में मेजर फर्क क्या है पता है आपको, वो पता है आपको, वो मैं बता अमीर और देता हूँ। गरीब की अमीर और गरीब के स्किल सेट में उसकी सलाहियतों में क्या फर्क है, पहले तो आपको बताया अमीर और गरीब में मेजर फर्क किस बात का है, हालात का नहीं है, सोच का है। आम बंदे को लगता है हालात का फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी सोच के फर्क है, सोच की वजह से हालात का फर्क बनता है, ठीक है क्या? अब उनके बात करते हैं उनके अंदर स्किल सेट का क्या फर्क है, उनकी सलाहियतों में क्या फर्क है। तो वो फर्क है कि अमीरों को बेचना आता है, गरीबों को बेचना नहीं आता, ठीक है। दुनिया के कोई भी आपको अमीर आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो जो खुद सेल्फ मेड है, जो तो जद्दी पुश्ती आ रहा है वो अफजाई करेगा। अमीर और गरीब में जो स्किल सेट का फर्क है वो है सेल करने की स्किल, बेचने की सलाहियत। अमीर को बेचना आता है, गरीब को बेचना नहीं आता। आप कहेंगे सर मैंने तो बड़े लोगों की, गरीबों की दुकानें देखी है, जो दुकानदार है तो दुकान पर ही बैठे ना, उनको बेचना नहीं आता इसीलिए दुकान पर बैठे हैं। अगर उनको बेचना आता तो दुकान से वो बड़ा स्टोर बनता और बड़े स्टोर से कॉरपोरेट ऑफिस और बला बला वो जो ब्रांचेज और फ्रेंचाइजीज हो जाती, अगर उसे बेचना आता तो, ठीक है। तो जो दुकान में बैठा हुआ है असल में उसे बेचना नहीं आता इसीलिए वो दुकान में बैठा है। जिस दिन उसे बेचना आ गया उसका यही जो दुकान वाला बिजनेस है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंचाइजी की शक्ल में फैल जाएगा। तो क्या फर्क बताया मैंने अमीर और गरीब में, पहला फर्क क्या है, सोच का, ठीक है। अमीर की सोच अलग होती है, गरीब की सोच अलग होती है। अमीर हर आने दुआने को इन्वेस्ट करता है और गरीब के हाथ में जो रुपया, हजार रुपया, लाख रुपया आता है फौरी तौर पर उसे लाइबिलिटीज खरीदता है। अमीर इन्वेस्ट करता है, गरीब खर्च करता है, अमीर लोग खर्च नहीं करते। सही है, ये भी तो कहते हैं ना, ये भी तो कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनता है। हाँ तो वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर क्या करता है, अमीर के लिए पैसा काम करता है। वो पैसे से पैसा बनाते हैं, जो गरीब तबका है वो मेहनत से पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो स्किल्स सीखते हैं, वो डिग्रियां लेते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं, वो वकील बनते हैं, जो बड़ी बड़ी आप समझते हैं। तो वो अपनी स्किल्स, अपनी लेबर से, अपने हाथ से काम करके, अपना टाइम बेच के उससे पैसा कमाते हैं गरीब लोग। अमीर लोग क्या करते हैं, वो टाइम नहीं बेचते, वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है और उस पैसे को मजीद इन्वेस्टमेंट करके वो क्या करते हैं, अब पैसा उनके लिए काम करता रहता है और आप वो खुद बैठा रहता है। आपने देखे गरीब अमीर लोग गाड़ियों में फिरते हैं, लठे वाला सूट, काटन वाला सूट है, चश्मा लगाया हुआ, साफ सुथरे, जबरदस्त। आपको लगता है, आप जब उसको देखते हैं तो ये तो काम ही कोई नहीं करता। आप देखते हैं ऐसे लोगों को, आप देखते हैं कि इसके पास सब कुछ है लेकिन काम कौन नहीं करता, होता है ऐसा, देखा है आपने कभी? ठीक है, बेशुमार लोग, बेशुमार लोग। तो उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। गरीब क्या करता है, गरीब को लगता है कि मैं हर रोज काम करूंगा तो मैं पैसा बना लूंगा, ठीक है। और जो वो पैसा बनाता है उस काम कर से वो खा लेता है, वो खर्च कर लेता है, वो कपड़ों पर, जूतों पर, टीवी पर,
गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, घर बनाने पर लगा देता है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता। आपके पास पैसा है कि नहीं है? आपके पास पैसा है वो जो करोड़ों नहीं वाला? नहीं है। आपके पास और क्या है? टाइम है आपके पास, ठीक है। जी, तो टाइम इज क्या कहा जाता है? टाइम इज मनी मनी। मनी टाइम इज मनी, लेकिन कौन सा टाइम? अमीर सोच वाला टाइम। अमीर सोच वाला टाइम जो है वो मनी है, गरीब वो सोच वाला टाइम मनी नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या बदलने की जरूरत है? अपनी सोच 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 बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की। जिस चीज ने सोच बदली है वो इस चुंगल से निकल के उस उधर निकल गया है। दुनिया में कितनी क्लासेस हैं पता है आपको? तीन क्लासेस हैं। कौन सी? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये तो आपने सुना है ना, आमतौर पर यही सुना है। मैं इनके आपको नए नाम देता हूं। इसके क्या नाम है? प्रोड्यूसिंग क्लास, मैनेजिंग क्लास, कंज्यूमर क्लास। सही है, समझ आ रही है? ये देखिए क्या मैंने कहा, प्रोड्यूसर क्लास, मैनेजर क्लास और कंज्यूमर क्लास। गरीब कौन सी क्लास है? कंज्यूम करने वाली, प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। उसके हाथ में कोई पैसा धेला आ जाए तो फौरी तौर पर उसे कंज्यूम करता है, वो उसे प्रोड्यूस करने में पैसे को नहीं लगाता, ठीक है। आपके पास लाख रुपया हो तो क्या करेंगी? अस्मा आपके पास होगा तो क्या करेंगी? रिशा आपके पास पैसा होगा तो क्या करेंगी? आयशा आपके पास होगा, नमुना आपके पास पैसा होगा तो आप पैसे से क्या करेंगी? मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी थोड़ा आप पहले कभी किया है? सा। आमतौर पर आपने जिंदगी गुजार दी ना, क्या पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने कितने लाख, कितने करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है? 30-35 लाख 30-35 लाख? फिर तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगर वो आपको, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप ब्लफ कर रही हाँ, कहीं कुछ गलती हो गई यूं कहने, जाया नहीं हुए आप पैसे करना हैं, वो पैसे जो चाहेंगी, जो इन्वेस्टमेंट आप ये किए बात हैं सुन के, आप ये कह रही हैं जी। कि आप ये बात सुन के करना चाहेंगी लेकिन अभी तक नहीं किया। अगर किया होता तो आप इधर अभी नहीं बैठे होते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीरियस नोट पर बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, पैसा है या टाइम है? आप लोगों के पास, मेरे पास क्या चीज है? टाइम है या पैसा है? हमारे पास टाइम पैसा कर नहीं है, टाइम है। तो टाइम को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सकते हैं, काम करके, ये सोच बदल के। पहले सोच पहले फिर सोच काम, सोच बदलेगी बदल और के फिर सोच काम बदल जाएगी तो करके काम करने का अंदाज बदल जाएगा। फिर भी काम ही करेंगे, फिर भी काम ही जी। करेंगे। पहले सोच बदलेगी और फिर काम करने का अंदाज बदल जाएगा। गरीब आदमी के काम करने का अंदाज और अमीर आदमी के काम करने के अंदाज में फर्क है। अमीर भी लोग काम करते हैं लेकिन अमीर वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम करते हैं और गरीब लोग जो है वो वैल्यू कंज्यूम करने के लिए काम करते हैं। वो जाके इसलिए पैसे कमाते हैं कि टीवी ला सके, वो जाके इसलिए पैसा कमाते हैं कि मोबाइल खरीद सके, वो जाके इसलिए पैसा कमाते हैं कि गाड़ी ले सके, वो जाके ऐसी वो लाइबिलिटीज बाय करते हैं। अमीर लोग एसेट्स बाय करते हैं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से, और गरीब लोग क्या करते हैं? वो लाइबिलिटीज बाय करते हैं। एसेट्स वो चीज होती है जो एक मरतबा खड़ी कर दी जाए तो आपको पैसा थोड़ा थोड़ा करके कमा के देती है, और लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो आपकी जेब में पड़े हुए पैसे थोड़े थोड़े करके निकालती रहती है, ठीक है। आप उन्हें खर्च ना भी कर रहे हो, इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, तब भी वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही होती है। समझ आ रही है? गरीब और अमीर में फर्क समझ आ रहा है मोटा मोटा, ठीक है। अब हाँ मैंने जी, बात की कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास क्या है? टाइम है। तो इस टाइम में हम क्या करें? वो स्किल सेट सीखें, वो सोच अपनाएं जो अमीरों की है, ठीक है। जब आप वो सोच अपना लेंगे और वो स्किल सीख लेंगे तो आप इस सब से निकल के, गरीबों वाली सब से निकल के आप किस में आ जाएंगे? अमीरों वाली सब में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं बात कर रहा कि कौन कितना अमीर और कितना कितना ज्यादा अमीर या कम अमीर। बात मैं कह रहा हूँ कि गरीब से निकल के अमीर की सोच में आना है, गरीब से निकल के अमीर की सब में आना है, तो आपको दो काम करने हैं। एक वो सोच अपनानी है अमीर वाली, और दूसरा वो स्किल सेट अपनाना है। सोच आपको मैंने दे दी है कि अमीरों की सोच क्या है, वो पैस टाइम लगा के क्या करते हैं। पहले वो भी गरीब होते हैं, पहले वो भी गरीब थे, पहले उन्होंने क्या किया? सोच बदली। सोच बदल के उन्हें पता चला कि अपने टाइम को मैंने बेचना नहीं है बल्कि इन्वेस्ट करना है। पहले क्या करना है? पैसा इन्वेस्ट करना है या टाइम इन्वेस्ट करना है? पहले पैसा टाइम इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट है, करना आपके पास पैसा तो है नहीं, पहले क्या करना है? टाइम इन्वेस्ट करना है।
आप क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, आप सोच बदलें कि अपनी सोच को मैंने खर्च नहीं करना, अपने टाइम को मैंने खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं, तो कुछ टाइम खर्च करके खाना बना लें खाने कमाने के लिए, और बाकी टाइम बचा के उसे इन्वेस्ट कर दें। आपके पास कितने घंटे हैं एक दिन में, कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे सोते हैं, बाकी बाकी 16 घंटे में से हमने फैमिली मामलात, लेना देना मामलात, जॉब भी करते हैं, काम करते हैं, रोटी भी खानी है ना, कमा के खानी, हर रोज कमाएंगे तो खाएंगे, ऐसे ही होता है ना, हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, सज्जी कमा के खाना, सज्जी करना है, सही है, दिहाड़ीदार तबका ना। तो आप मजबूर जी हैं कि आप अपना टोटल टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खाएंगे कहाँ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर आपको रिजल्ट नहीं देती। तो पहले आप क्या करें, अपना कुछ टाइम सेल कर दें, बेच दें, कुछ टाइम पैसा रोजी कमाने में लगा दें, और कुछ टाइम इन्वेस्ट कर दें। लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आप टोटल टाइम ही इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम आप वो सीखने में गुजारें जो अमीरों का स्किल है। वो अमीरों का स्किल क्या है, उन्हें बेचना आता है, अमीरों को बेचना आता है, दे आर एक्सलेंट सेल्स पीपल। दुनिया के रिचेस्ट बंदे को इस वक्त जो है वो अमेजोन का मालिक भी समझा जाता है, एक और है वो जो टेस्ला के मालिक है, ठीक है, जेफ बेजोस और इलान मस्क, इनको अमीर तरीन कहा जाता है। अगर उन सब में, उन दो महीनों में, ये बड़े बड़े खरबपति लोगों में आप एक स्किल कॉमन देखेंगे, तो वो एक स्किल कॉमन है, वो है बेचना, उन्हें बेचना। बेचने का मतलब ये नहीं कि आप पेंसिलें बेचेंगे, जो भी है आइडिया बेचने का नाम है, उन्हें अपनी बात बेचना आती है, अपनी बात से लोगों को कन्विंस करना आता है, ये बेचना है, अपनी बात करके लोगों को अपनी बात पर खड़ा कर लेने का नाम सेल्स है। यानी मैं जो चाहता हूं, जो हम करना चाह रहे जो हैं। हम चाह रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूं, वो आपसे काम ले लेने की सलाहियत का नाम सेल्स पर्सन की है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि आप मेरे लिए काम करें, आपको हमने क्या किया, आप सब लोग आए, हमने आपको, हमने एक पोस्ट दी, एक इश्तिहार दिया, आप लोगों ने देखा, आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू किया, आपको कन्विंस करके हमसे हम ट्रेनिंग में ले आए, ट्रेनिंग करके आप क्या कर रही हैं, अतीका काम कर रही हैं, कुछ और लड़कियां काम करने लग गई हैं, वो प्रोड्यूस करने लग गई हैं। तो अब क्या किया मैंने, क्या बेचा आपको, आइडिया बेचा मैंने, कोई चीज़ तो नहीं बेची आपको, ठीक है। आप मेरी किसी बात को कन्विंस जी होके आए हैं ना, तो ये क्या है, ये स्किल है, सेलिंग स्किल, ठीक है। तो एक वाहिद स्किल, जो आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो उससे पैसा आप बना सकते हैं, जिससे बड़ा पैसा बना सकते हैं, जिसे एक वाइज स्किल से, वो है सेलिंग स्किल, हाउ टू सेल, कैसे बेचें, ठीक है। तो अब आपको क्या बदलना है, पहला काम क्या करना है, सोच बदलनी है कि अगर मैंने गरीब से अमीर की तरफ शिफ्ट होना है, तो मुझे क्या बदलना है, सोच बदलनी है। अमीरों की सोच क्या होती है, वो अपने वक्त और पैसा जो भी उनके पास होता है, वो कतरा कतरा करके भी उसको इन्वेस्ट करते हैं। गरीब क्या करते हैं, उनके पास जो कुछ आ जाए, जितना आ जाए, वो खर्च कर देते हैं, ठीक है। टाइम और पैसे को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हो सकते हैं, तीन, ठीक है। टाइम और पैसा दोनों ही वैल्यू है ना, वैल्यू है, ठीक है, ताकत है। उनको इस्तेमाल करने के तीन मुमकिन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो आम राय है, टाइम को वेस्ट कर देना, ठीक है। कैसे, टिकटॉक देखे जा रहे हैं, फेसबुक देखे जा रहे हैं, गेम खेले जा रहे हैं, गप्पे मारे जा रहे हैं, सारा दिन गुजर गया, अगले दिन उठे फिर भी गप्पों में गुजर गया, अगले दिन उठे सारी जिंदगी गप्पों में गुजर गई, किसी वर्थ वाइल काम में अपना टाइम नहीं लगाया, ये क्या है, टाइम को वेस्ट कर दिया। जैसे टाइम वेस्ट करते हैं, इसी तरह अक्सर पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, समझ ना होने की वजह से। बर्बाद करने से, वेस्ट करने से बेहतर है कि उसको, टाइम को बचा लिया जाए और पैसे को बचा लिया जाए। पैसा तो आप बचाते हैं वैसे, है कि नहीं, रुपया रुपया बचाते हैं कि नहीं बचाते, ठीक है, लेकिन बचा के किधर ले जाते हैं, फिर खर्च करने के लिए, एक जगह से बचा के दूसरी जगह खर्च करने के लिए बचाते हैं ना, ऐसे ही है। यानी आप बचत इसलिए करते हैं कि इधर से बच जाए वो दूसरा काम रह जाएगा, इधर से बचा के उधर भी आपने क्या करना है, खर्च ही करना है। तो दूसरा काम क्या करते हैं, हम सेव करके, सेव कर देते हैं। पहला तरीका क्या है कि जाए हो गया, वो आम करते हैं लोग, आपने क्या करना है, जाए नहीं करना, ना अपना पैसा ना अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है, ना आपने पैसा वेस्ट करना है, ना आपने टाइम वेस्ट करना। अभी आपके पास क्या है, टाइम या अभी पैसा, अभी क्या है आपके पास, वक्त
अभी वक्त है, तो टाइम वक्त तो तो वेस्ट बचाना करना है या बचाना है? तो बचा के किधर ले जाएंगे? 24 घंटे बाद वो तो निकल जाने, बचा के ले जाएंगे किधर? बचा के तो उसको ले जाएंगे किधर? उसको उसे यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने टाइम से। आप क्या करेंगे, उस टाइम को ऐसे यूज करेंगे कि वो वैल्यूएबल हो जाए, उसे वैल्यूएबल जगह पर खर्च करेंगे। सही है, टाइम भी खर्च करने वाली चीज है ना। 24 घंटे आपके पास है तो खर्च करते हैं, 8 घंटे सोने में खर्च करते हैं, 1-2 घंटे खाने में, नमाज में, जो घर के छोटे मोटे मामला आते हैं, जाना आना, 2 घंटे उधर निकल जाते होंगे, बाकी 14 घंटे रहते हैं। तो 14 घंटे आप खर्च करते हैं, वेस्ट करने की बजाय क्या किया, सेव किया, और सेव करके उसे कहाँ खर्च करें, ये एक सवाल है। ठीक है, एक जगह से बचा के दूसरी जगह खर्च कर दिया तो वो खर्च ही हो गया ना। दूसरा तरीका क्या है, सेव करके खर्च कर लिया। पहला तरीका है वेस्ट कर दिया, दूसरा तरीका क्या है, बचा लिया और बचा के उसे खर्च कर दिया, कहाँ पर, किसी छोटी वैल्यू के बर्बाद में। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने उस टाइम या पैसों, मैं टाइम और पैसा दोनों को एक ही चीज कह रहा हूँ, आर यू क्लियर? मैं टाइम और पैसे दोनों को क्या नाम दे रहा हूँ, एक ही नाम दे रहा हूँ, वैल्यू कह रहा हूँ उसे, वो वैल्यू है। वैल्यू आपने, यानी टाइम और पैसा क्या है, वैल्यू है, वो वैल्यू आपने जाय कर दी, वो वैल्यू आपने बचा के एक जगह से बचा के दूसरी जगह खर्च कर दी, या तीसरा तरीका क्या है, वो वैल्यू आपने इन्वेस्ट कर दी। आपने उस टाइम को जमीन में बो दिया, आपने अपने पैसे को बो दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, जिसको बो देते हैं वो क्या होता है, किसी बीज को जमीन में बो दें तो क्या होता है, क्या होता ग्रो है, करेगा। आपके पास, आपके आपकी मुट्ठी में एक 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 मुट्ठी गंदम है, इससे क्या हो सकता है, एक मुट्ठी गंदम से कितनी रोटियां बन सकती हैं? रोटी तो एक बनेगी, लेकिन अगर उसको बोया जाए तो पूरा फिलहाल खेत। फिलहाल रोटी की बात करते हैं, ये क्या है, खर्च करना। आपने उसे उड़ा दिया, ठीक है, कूड़े में फेंक दिया, तो क्या हुआ, वेस्ट कर दिया, आपने जाया कर दिया, कूड़े में फेंक दिया तो वेस्ट कर दिया। उसे उसे आटा बना के उसकी रोटी पका ली, कितनी देर खाएंगे, एक वक्त एक मरला। खाएंगे। और अगर एक मुट्ठी दानों को आप जमीन हमवार करके सीधी करके उसमें बो दें तो वो दाने कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो वो जाएंगे। एक बोरी हो जाएगी ना। ठीक है, बोरी ना भी हो, आधी बोरी तो हो ही जाएगी। सही, एक मुट्ठी दानों से आधी बोरी बनाई जा सकती है। तो वो क्या है, टाइम और पैसा, जिन दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू। उसको अगर आप वेस्ट कर दें तो उससे कुछ नहीं निकला, उसे आपने एक जगह से बचा के दूसरी जगह खर्च कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ, उधर ही लाइफ खड़ी है। लेकिन आपने उसे बचा के इन्वेस्ट कर दिया, बचा के कास्ट कर दिया, बचा के कहीं पर लगा दिया वैल्यूएबल जगह पर, तो वो ग्रो करना शुरू कर दिया। तो आप अपने टाइम को बेहतरीन वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, स्टार्ट लर्निंग वन स्किल विच इज कॉमन इन ऑल रिच पीपल। स्टार्ट लर्निंग वन स्किल विच इज कॉमन इन ऑल रिच पीपल, वो कौन सी स्किल है, हाउ टू सेल, बेचना कैसे। बेचना क्या है, बात बिकती है, चीज या आइडिया बाद में बिकता है, कोई स्किल, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाद में बिकती है, पहले क्या बिकती है, बात बिकती है। पहले कस्टमर चीज खरीदता है या पहले कस्टमर दुकानदार को खरीदता है, क्या ख्याल है? दुकानदार को खरीदने का मतलब है उस पर ट्रस्ट बिल्ड होना उसका, कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, आर यू क्लियर? जी, पहले कस्टमर चीज खरीदता है या पहले बंदे को खरीदता है, क्या खरीदता है? ठीक है, बंदे को, पहले पहले उसे चीज पर एतमाद आता है या बंदे पर एतमाद आता है? बंदे को बिल्कुल अगर बंदे पर एतमाद नहीं है तो चीज खरीद लेगा, नहीं, चीज अच्छी लगती है, बंदा बुरा लग रहा है, खरीद लेगा नहीं छोड़ खरीदेगा? तो देगा। पहले आपने क्या करना है, यू नीड टू मेक योर इत्माद बिल्ड सेल्फ करना है। एबल इनफ। आपने अपने आप को कितना केपेबल बनाना है, इतना स्मार्ट बनाना है, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन करनी है कि लोग आपकी बात को सुन के उस पर भरोसा कर लें, उस पर खड़े हो जाएं। आपको बात करने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि लोग जब आपसे बात करें तो वो आप पर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, आप बात ऐसे करें कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। अगर आपकी बात में शेकीनेस है, डाउट है, तो लोग ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर? जिसको खुद पर भरोसा नहीं है उस पर लोग भरोसा करेंगे? नहीं, वो तो डिसकंटिन्यू हो लोग तब जाएगा। आपके साथ भरोसा करेंगे जब आप अपनी जात में भरोसा करेंगे। भरोसा कैसे आता है, जब आप वेल ऑफ होते हैं तो भरोसा आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हालात बदलते हैं भरोसा आना शुरू हो जाता है। तो हालात कब बदलेंगे, जब भरोसा आएगा। भरोसा कब आएगा, जब हालात बदलेंगे, आपस में लिंक्ड है ना। ठीक है, खुद पर भरोसा तब आना शुरू हो जाता है जब आपके हालात बदल रहे हो, अच्छे हो रहे हो, आप कंफर्टेबल हो रहे हो, तो आपके
आपको भरोसा आना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपके पास तो अच्छे हालात अभी है नहीं, तो भरोसा कैसे आएगा? तो पहले भरोसा बिल्ड करो, अच्छे हालात बिल्ड हो जाएंगे। सही है, जो आप कर सकते हो वो कर गुजरो, दूसरा बिल्ड हो जाएगा। आपके पास अगर अच्छे हालात हैं तो भरोसा खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा अपनी जात के अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आप ओके हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा जिनके पास जमीन है, जायदाद है, पैसा, वो लंबी लंबी मूछें और वो सीना तान के तोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस है ना उनको। गरीब आदमी दब के चलता है, छुप के चलता है, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि उसे उसके हालात ऐसे नहीं जिसकी वजह से भरोसा कर सके। तो हालात अच्छे हो जाए तो भरोसा पैदा हो जाता है, और अगर आपके हालात अच्छे नहीं है तो आप भरोसा पैदा कर लें, बनावटी भरोसा पैदा कर लें अपने अंदर, अपने अंदर बनावटी भरोसा पैदा कर लें, तो हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। बनावटी भरोसा क्या है? स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो माशाल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ये क्या है? ये भरोसा है। अभी नहीं है हालात ठीक, लेकिन ये कहने से वो हालात बनना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो कॉन्फिडेंट रहें अपनी जात के अंदर, आप जहां हैं जैसे हैं फील कॉन्फिडेंट। हर कोई, अल्लाह ताला ने हर एक को बड़ा बाग कमाल पैदा किया है, क्योंकि उसे हर एक को अपनी अपनी जगह पर यूनिक पैदा किया है। कभी अपने होने पर डाउट मत करें, हर एक अपनी अपनी जगह पर यूनिक है, हर एक की अपना रंग है, अपना ढंग है, अपना तरीका है, अपना कलर है, अपनी कास्ट है, अपनी क्रीड है, जो जहां है उसका जैसे। अपने आप को कभी उसके सामने कंपैरिजन करके छोटा या बड़ा मत करने की कोशिश करो। राइट, मैंने क्या कहा? कॉन्फिडेंस आएगा तो हालात बेहतर होंगे, और हालात बेहतर होंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हालात अभी अच्छे हैं कि नहीं है? यस सर नो, नहीं है, हालात अच्छे लेकिन नहीं है। कुछ तो हालात कॉन्फिडेंस अच्छे नहीं है तो दूसरी चीज तो आप कर सकते हैं ना, अपनी जात में बात बेहतर करो। बिल्ड कर सकते हैं वो कैसे कर अभी। सकती है कि अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला कर स्टॉप सकते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें, आप अपनी जगह यूनिक है। सिर्फ अपनी जात में इत्मीनान रखें, अल्लाह ने मुझे बाकमाल पैदा किया। और अपने जब आप ये सोचेंगे तो आप अंदर छुपे कमालात के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। जब आप वसवसे में पड़े रहेंगे, ठीक है, बौखलाहट का शिकार रहेंगे, तो अपने अंदर जो खूबी छुपी खूबियां हैं आपके अंदर, अल्लाह ताला ने जो पैदा किए हैं और सबके अंदर पैदा किए हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप कूल एंड काम एंड शांत और रिलैक्स होंगे तो आप अपने अंदर छुपी जो खूबियां हैं, डायनेमिक्स हैं, काबिलियतें हैं, उनके ऊपर आप फोकस कर सकेंगे। ठीक है, तो आप जी रिलैक्स रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, रिलैक्स रहें, सब्र रहें, साबिर रहे, शाकिर रहे, दो खूबियां हैं। जब आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होते हैं। ये बनावटी है थोड़ी सी, जब है नहीं है कुछ तो कैसे कहें? जो लोग कह रहे होते हैं, जो मरे मुक्के पड़े होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, बनावटी ही कर रहे होते हैं ना। लेकिन इसलिए अगर वो अंदर से ये यकीन पैदा करना शुरू कर दे कि यार जो भी है, जैसा भी अल्लाह की शान ही है ना, तो वो अपनी जात में कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी जात में कॉन्फिडेंस पैदा करें। सेल्स के लिए अब ऊपर से शुरू करता हूँ, रिपीट करवाता हूँ बात आपको। अमीर और गरीब में किस बात का मेजर फर्क है, कौन बताएगा? सोच सोच का फर्क है, स्किल सेट का क्या फर्क है उनके अंदर, और उनके अंदर क्या फर्क है? ठीक है, यानी एक डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है, एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बनना हो तो कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है? ठीक है, लाखों और 5 से 7 साल 5 से 7 साल, 10 साल मोटा मोटा, हाउस जॉब सारी, प्राइवेट स्टडी वगैरह, जी। एक फुल अपना क्लिनिक बना के बैठने के काबिल होने तक 10 साल लग जाते हैं, और लाखों नहीं करोड़ों लग जाते हैं। ठीक है, वो भी हाँ चांस है अगर जी आपका मेरिट आ जाए। कितनी मेहनत का काम है, वो कितना पथेटिक डॉक्टर होगा कि ये सारा कुछ करे लेकिन बेचना न सीखे। ठीक है, उसको अपनी बात अपने कस्टमर तक, अपने पेशेंट तक उसके दिल में उतारना ना आए, ठीक है, उसका दिल ना जीत सके, उसका एतमाद ना जीत सके, तो तुफ है ऐसे डॉक्टर पर। ठीक है, और सेल करने में कितना बराबर टाइम लगता है? 2 महीने में आप सेल करना सीख लेते हैं, 2 महीने में आप बेहतरीन सेल्स पर्सन सीख सकते हैं। तो क्या 10 साल लगा के मेडिकल एमबीबीएस किया जाए, लाखों करोड़ों रुपए लगा के, और 10 साल लगा के वो किया जाए, या 2 महीने लगा के सेल करना सीख लिया जाए? आप डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। ठीक है, जिसको बेचना आ जाएगा वो डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा लेगा, वो वकील से ज्यादा पैसे कमा लेगा। वकील भी बेचने के ही खाता है ना पैसे, वकील क्या करता है, बेचता ही है, वो भी अपने आइडिया ही बेचता है, अपनी लॉजिक बेचता है, कन्विंस करता है ना। ठीक है, दलील से बेचता है, दलीलें बेचता है अपनी, ठीक है, दलायल से पैसा कमाता है ना। तो डॉक्टर से तो वकील अच्छा हुआ कि उसको ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, कुछ बातें करनी है उसने। ठीक है, तो लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट टू द पीपल, और कैसे बात कैसे करें, उन्हें अपने साथ कनेक्ट कैसे करें, अपनी बात पर उन्हें खड़ा कैसे करें,
वो आप पर एतमाद कैसे बिल्ड करें, उनको उनके साथ कैसे बात करें कि लोग आपके ऊपर एतमाद करें, लोग ट्रस्ट करें कि यार ये बंदा जाना ये भरोसेमंद है। ठीक है, आप अपनी अंदर से भरोसेमंद है कि नहीं, लेकिन आपको बात ऐसी करनी आए कि आप लोग आपकी बात पर भरोसा करने लग जाए, और फिर अमल भी ऐसा करें, यकीनन ऐसा ही करना चाहिए। आइडियली तो ये है कि आप अंदर से भी वैसे हो जैसे आप बोल के नजर आए, ये तो कमाल हो जाएगा ना। लेकिन पहले नजर तो आए फिर अंदर भी कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही करेंगे। लोगों ने अंदर तो झांकना नहीं है, उन्होंने उनको तो जाहिर वजह कहता है वही नजर आ रही है ना। तो आपको बात करने का ढंग, बात करने का ढंग, कम्युनिकेट करने का ढंग, लोगों के साथ कनेक्ट होने का ढंग, लोगों को अपनी बात कम्युनिकेट करने का ढंग, उनके अंदर अपनी बात उतारने का ढंग, उनको समझने का ढंग, आप किसी के अंदर अपनी बात तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उसे नहीं समझते। ठीक है, बंदे को पहले जांचोगे ना कि ये बंदा किस टाइप का है, उसे समझोगे तो अपनी बात पहुंचाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो क्या करते हैं आप पहले, क्या करते बिल्कुल हैं? यस बिल्कुल हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर एक बंदा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, अब अगर मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ और मैं इस पे अंग्रेजी का रोब छाड़ू, पर सामने वाला कुछ ना समझे मेरी अंग्रेजी को, तो वो मेरी बात सारी गई वो हो जाएगी जाया। लेकिन अगर मैं उसकी शख्सियत को, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को समझते हुए उर्दू में या कुछ थोड़ा बहुत पंजाबी में भी अगर मैं बात करूं और वो मेरी बात को समझ ले, तो फिर मेरी अचीवमेंट है। हाँ जी, आप एक रूल है, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले अगले को पूरा समझो फिर तवक्को रखो कि वो तुम्हारी बात समझे, पहले उसकी बात को पूरा समझो फिर वो तुम्हारी बात समझेगा और पानेगा। इसे कहते हैं प्रॉबिंग करना, आप किसी से बात करें तो आप उसे प्रॉब कर रहे हैं सर, ठीक है, टटोले उसे उसे अंगेज करें, आप कम बोलें उसे बुलवाएं ज्यादा से ज्यादा, ऐसे सवाल करें जिसमें वो बोले आप सुने। ठीक है, बात करने को इसमें विन करने का तरीका क्या है, लोगों को अपनी बात पर लाने का तरीका क्या है, कि आप ऐसे बात करें कि वो बोले और आप सुने, जब वो बोलेगा तो वो खुलेगा, सही है, जब तक कोई चुप बैठा है आपको क्या पता किस तरह की बातें सोचता है, किस तरह की इसके इसके रिलीजियस अकायद क्या है, पॉलिटिकल अकायद क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या है, इसकी मजबूरियां क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, इसका क्या है, डायनेमिक्स क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसकी सारी, आप जब तक वो बोलेगा नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने पहला काम क्या करना है, उसे बुलवाना है, उसे एंगेज करना है अपने साथ, एंगेज करके फिर आप जो एंगेज किया है उसको समझा, उसको समझ के अब आपके पास जो आइडिया या प्रोडक्ट या सोच है उसकी समझ के मुताबिक उसके अंदर अंडेलने की कोशिश करो। ठीक है, क्या ख्याल है, क्या एक जी नीचे गिलास पड़ा हुआ तो आप बाल्टी में बाल्टी उसके ऊपर अंडेल कर दोगे? ठीक है, नीचे गिलास पड़ा हुआ है पतले मुंह वाला, उसके अंदर आप बाल्टी अंडेल दोगे कि नहीं दोगे, बाल्टी से क्या करोगे, नहीं करोगे नहीं ना, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप पहले समझते हैं कि सामने गिलास है या बाल्टी है, बाल्टी के अंदर बाल्टी अंडेली जा सकती है, ठीक है, और अगर बाल्टी पड़ी और आप गिलासों से डाले जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी खराब है। पहले फिर भी आइडेंटिफाई खराब है करेंगे कि सामने गिलास है या बाल्टी है या पूरा बड़ा कोई वो बकेट है, जिस तरह की चीजें उस तरह से अंडेलेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडेल पाएंगे। ठीक है, अगर गिलास के अंदर आप बाल्टी से अंडेल रहे हैं तो गिलास की कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर जाएगा नहीं, बाकी सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। और अगर बाल्टी पड़ी है, ठीक है, बाल्टी पड़ी है और उसके अंदर आप छोटी छोटी गिलासियों से भर के डाल रहे हैं तो आप क्या करें, मेहनत किए जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं, रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा है। गलत तो गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं। यस, तो हमने सबसे पहले क्या करना है सेल्स में, आइडेंटिफाई योर कस्टमर, टॉक टू पर्सन इन अ वे दैट यू आर नॉट सेलिंग, आप बेच नहीं रहे उसे, पहले उसे खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब है उसे समझ रहे हैं, कस्टमर को पहले समझो, कस्टमर की जरूरियात क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसको ऑप्शंस कौन सी अवेलेबल हैं, उसकी मजबूरियां क्या हैं, उसको कमियां क्या हैं, दर्द कहाँ से हो रही है उसे, प्लेयर कहाँ से मिल रहा है उसे, सब चीजें समझो। ठीक है, क्या पेन कैपेसिटी है, इसकी जरूरियात क्या है, मेरी प्रोडक्ट में से किस चीज से रेलेवेंट है, जब आप उसे समझेंगे तो अपनी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे ना, ये बंदे को ये प्रोडक्ट की जरूरत है या इस बंदे को ये वाली सर्विस की जरूरत है, इसको ये वाला कोर्स चाहिए, आप समझे बगैर कैसे बेचेंगे, हो सकता है ऐसा, आपने समझा नहीं और उसे आपने उसे बेचना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है।
एक आम सेल्स पर्सन क्या करता है, वो बगैर कस्टमर को समझे जाने धड़ाधड़ उसे पिच करना शुरू कर देता है। आम कॉल सेंटर्स भरे पड़े हैं ऐसे एजेंट से, और वो खप रहे हैं, परेशान है, मजबूर है, कमा भी कुछ नहीं पा रहे, सारी सारी रात जागते हैं और उससे कमाते कुछ नहीं है। कैसे? वो अन्यवाह कस्टमर को जाने समझे बगैर सीधा सीधा उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देते हैं, और वो 400 कॉलें करते हैं और बंदा कोई बात सुनता। ठीक है, मैं आपको ट्रेनिंग देने लगा हूँ, ऐसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप जिससे भी बात करें कम से कम आप उससे जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक चले, आगे वो कस्टमर है या नहीं है, उसकी की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, वो रेलेवेंट है भी कि नहीं, कस्टमर है भी कि नहीं, वो प्रॉस्पेक्ट है भी कि नहीं, वो एक अलग सवाल है, उसके ऊपर भी हम वो जान लेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये मेरा मुमकिन कस्टमर है भी कि नहीं, और अगर है तो हम उसके साथ बात जारी रखेंगे, और अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मेरा कस्टमर नहीं है तो हम कैसे जल्दी गाल बात को राउंड अप करके हम अगले कस्टमर की तरफ जाएंगे। राइट, आई विल बी ट्रेनिंग यू फॉर दैट। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है मेरी? आज मैं मोटी मोटी बात की, गरीब अमीर में क्या फर्क है मेजर? 1 मिनट रह गया इस वीडियो में, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। गरीब अमीर में क्या फर्क है पे मेजर? सोच सोच, रहे थे सोच। स्किल सेट में क्या फर्क है? अमीर और गरीब के स्किल सेट में क्या फर्क है? ठीक है, उसको बेचना आता है, गरीब को बेचना नहीं अमीर को आता। बेचना आता है, गरीब के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी डीप बड़ी बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल स्किल्स है, सिर्फ बेचना नहीं आता उसे। ठीक है, तो इस वजह से वो मार ऑब्वियसली खाता है। आप मार खाने वालों में से बनना चाहते हैं या विनर में से बनना चाहते हैं? ठीक है, विनर तो सबसे पहले विनर बेचना सीखे, सबसे पहले बेचना सीखे। आपको कोई और काम आता हो या ना आता हो, एक काम आपको जरूर आना चाहिए, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, आपको ये आना चाहिए। राइट, तो आप मेरे पास आए ठीक हैं, आप मेरे पास काम करते रहे या ट्रेनिंग लेके चलते जाए ये, लेकिन मैं आपको बेचना सिखा दूंगा, बेचना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे बेचना है। ठीक है, मैं ओके बेचने की सलाहियत की बुनियाद पर ये काम कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ उस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, बहुत सारे टीचर्स काम करें, लेकिन मुझे बेचना आता है इसलिए मैं काम अपना खड़ा किए जा रहा हूँ। राइट, ठीक है, लो जी आज की वीडियो, इस वीडियो ये खत्म हो गई क्योंकि टाइम आउट हो गया, और मैं दोबारा आपके लिए शुरू कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, उधर से मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ। जो लोग सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो मेरी ट्रेनिंग देखते रहे, आपको बेचना आ जाएगा इंशाल्लाह।